नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। मॉस्को में आज इस्लामिक स्टेट ने खून की होली खेली है। 140 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा रूस किस तरीके से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, पूरा रूस थर्रा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले के बाद रूस में राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। हमले के बाद पुतिन ने ऐलान किया कि हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खून का बदला खून से लिया जाएगा। रूस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें 4 हमलावर हैं और 7 लोग उनकी मदद करने वाले बताए गए हैं। मॉस्को में जो हुआ वो रूस के अंदर 20 सालों में कभी नहीं हुआ था। एक कंसर्ट हॉल में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने 80 से ज्यादा रूस के नागरिकों को बेरहमी से फायरिंग खोल कर भून डाला। पुतिन के पास एटम बम है। पुतिन के पास दुनिया की बेशकीमती महंगी मिसाइलें हैं। पुतिन के पास ऐसी शैतान मिसाइल है जो एक बार में दुनिया के एक दर्जन ठिकानों पर परमाणु हमले कर सकती है। पुतिन के पास ऐसी तोपें हैं जो दुश्मन के बड़े बड़े किलों को तबाह कर सकती हैं। पुतिन के टैंकों का खौफ रूस के दुश्मनों को ना जीने देता है ना मरने देता है। पुतिन के पास लड़ने वाले ऐसे खोखार फौजी हैं कि पुतिन की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन एक आतंकवादी संगठन ने पुतिन का सारा गुरूर तोड़ दिया। इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों ने रूस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे रूस के अंदर रूस की राजधानी मॉस्को में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और 5 आतंकवादियों ने 80 से ज्यादा रूस के लोगों को मारकर आराम से कार में बैठकर भाग निकले। आखिर रूस के अंदर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इतने बड़े आतंकवादी हमले को कैसे अंजाम दिया? आखिर इस्लामिक स्टेट की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना से क्या दुश्मनी है? आखिर क्यों ईरान पर हमले करने वाला यही संगठन अब रूस के नागरिकों के खून का प्यासा हो गया है? क्या यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से भी इस हमले का कोई कनेक्शन है? आखिर इस युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की पर बड़े बड़े सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? अब इन सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर मॉस्को में हुआ क्या था। रूस पर ऐसा खतरनाक हमला ना कभी देखा ना कभी सुना। तस्वीरें बेहद दिल दहला देने वाली हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर एक कंसर्ट हॉल चल रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। इसमें बच्चे, महिलाएं, सभी आम लोग शामिल थे। तभी अचानक इस्लामिक स्टेट खुरासान के 5 आतंकवादी फौजी ड्रेस पहनकर कंसर्ट हॉल के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही धनाधन अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पूरा शो हाउसफुल था। 6,000 से ज्यादा लोग उस कंसर्ट को देखने के लिए पहुंचे थे। जब आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू किया तब लोगों को भागने का ठिकाना नहीं मिला। हमलावरों ने पूरे कंसर्ट हॉल को आग लगा दी। हॉल में इतने जबरदस्त धमाके हुए कि पूरे इमारत की छत भरभराकर नीचे गिर गई। Да, произошла трагедия. Мы здесь в Крокусе работают пожарные. Площадь возгорания очень заметная. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных и соответственно. हॉल में कयामत टूटी हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के टॉयलेट में जाकर और दूसरी जगहों पर छुप गए थे, लेकिन धुआं इतना जोर का उठा कि बहुत सारे लोग दम घुटने की वजह से बहुत बेरहमी से मारे गए। Следователи также уже приступили к работе с подозреваемыми в совершении преступления, которые были задержаны спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Необходимую помощь окажем всем. Семьям
чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल रूस की सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि रूस की सुरक्षा एजेंसियों को ना तो इस बात की भनक लगी कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है और ना ही उन्होंने कोई सुरक्षा के उपाय किए। और सबसे बड़ी बात यह कि आतंकवादी बहुत आराम से लोगों को मारकर, मासूमों को गोली से छन्नी करके आसानी से कार में बैठ के निकल बैठे। कंसर्ट हार्ड में जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे उनके पास ना तो कोई बंदूक थी और ना ही उनके पास कोई रिवॉल्वर थी जिससे वो आतंकवादियों को रोकने में कामयाब हो पाते। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रूस के अंदर सिक्योरिटी एजेंसियों से इतनी बड़ी चूक अमेरिका के द्वारा सावधान किए जाने के बाद भी हुई है। अमेरिका ने एक महीने पहले ही रूस की सुरक्षा एजेंसी को यह सूचना दी थी कि खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान में एक्टिव इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी रूस के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बहुत बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग बना रहे हैं। अमेरिका ने रूस के अधिकारियों को तो इस बात की जानकारी दी थी। इसके अलावा रूस में मौजूद अमेरिका के दूतावास से भी अमेरिका के नागरिकों को अलर्ट जारी किया गया था कि आतंकवादी हमले से सावधान रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। रूस की सुरक्षा एजेंसी की इस लापरवाही ने रूस की सरकार को चौंका दिया है। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि वो आतंकवादी हमला करने वालों को फौरन गिरफ्तार करे। रूस की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त मॉस्को की सुरक्षा के लिए जी जान लगाए हुए हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि गिरफ्तार लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कंसर्ट हॉल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके 80 से ज्यादा लोगों को मार दिया और 150 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। Проводится осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа с потерпевшими. Назначены и проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. Это автоматическое оружие и боеприпасы. इस्लामिक स्टेट खुरासान आखिर क्या है, इसको समझना भी जरूरी है। खुरासान नाम उस क्षेत्र के पुराने शब्द पर रखा गया है जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह आतंकी संगठन 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा, जिसने तेजी से अत्यधिक क्रूरता कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन की एक ब्रांच के रूप में काम करने वाले ISISK ने अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका ने कहा था कि साल 2021 में देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ खुफिया जानकारी विकसित करने की उसकी ताकत में कमी आई है। हालांकि फिर भी अमेरिका को मॉस्को अटैक की जानकारी पहले ही लग गई थी। इस्लामिक स्टेट खुरासान का अफगानिस्तान के अंदर और बाहर मस्जिदों में हमलों का खतरनाक इतिहास रहा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ईरान में 2 बम विस्फोट किए थे जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए थे। वहीं सितंबर 2022 में इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों ने काबुल में रूसी दूतावास पर एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। ये आतंकी संगठन साल 2021 में काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले करने के लिए भी जिम्मेदार था, जिसमें अमेरिकियों की निकासी के दौरान 13 अमेरिकी सैनिकों और कई नागरिक मारे गए थे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि रूस की आर्मी से इस्लामिक स्टेट खुरासान की आखिर क्या दुश्मनी है। इस्लामिक स्टेट रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जमकर विरोध करता है, क्योंकि पुतिन ने साल 2015 में हस्तक्षेप करके विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ राष्ट्रपति अल असद का समर्थन करके सीरिया के गृहयुद्ध में अल असद को निर्णायक जीत दिलवा दी थी। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि इस्लामिक स्टेट एक सुन्नी बाहुल संगठन है और अल असद सिया मुस्लिम। ISIS के इन आतंकियों को लगता है कि पुतिन की सरकार चेचन्या और सीरिया में हमले कर मुसलमानों पर अत्याचार करती है। अफगानिस्तान ने मुसलमानों पर इसी तरह के अत्याचार रूस ने सोवियत काल के दौरान किए थे। रूस पर पहले भी खतरनाक आतंकी हमले हुए हैं। 13 दिसंबर 1999 को दक्षिण पूर्व मॉस्को में एक 8 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत में बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 118 लोग मारे गए थे। ये हमला अपार्टमेंट इमारतों पर हुए 5 हमलों में से एक था, जिसमें मॉस्को और दक्षिणी रूस में 2 हफ्तों के अंदर कुल 293 लोग मारे गए थे।
23 अक्टूबर 2002 को 21 पुरुष और 19 महिला चेचन विद्रोहियों के एक आतंकवादी ग्रुप ने मॉस्को के डेब्रोका थिएटर में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान धावा बोल दिया था और 800 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा बलों के साथ गतिरोध 2 दिन और 3 रात तक चलता रहा। ये तब समाप्त हुआ जब सुरक्षा बलों ने हमलावरों पर काबू पाने के लिए थिएटर में गैस छोड़ी और फिर उन पर धावा बोल दिया। कुल 130 बंधक मारे गए थे, जिनमें अधिकांश की मौत गैस से दम घुटने से हुई थी। 5 जुलाई 2003 को 2 महिला आत्मघाती हमलावरों ने मॉस्को के पास तुशिनो हवाई क्षेत्र में एक रॉक कॉन्सर्ट के दौरान खुद को उड़ा लिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हो गए। 6 फरवरी 2004 को एक चेचन आतंकी ग्रुप ने सुबह के व्यस्त समय के दौरान खचाखच भरे मॉस्को मेट्रो में बम विस्फोट किए थे, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। इसी आतंकी संगठन ने ईरान पर भी हमले किए थे। सबसे बड़ा हमला ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास किया गया था, क्योंकि कासिम सुलेमानी का भी सीरिया के अंदर जंग में एक बड़ा रोल था। कासिम सुलेमानी की मदद से बशर अल असद को अपनी सत्ता दोबारा स्थापित करने में मदद मिली थी। दरअसल इसी साल जनवरी के महीने में ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की मौत की बरसी मनाने के लिए सुलेमानी की कब्रगाह के पास भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक उस वक्त विस्फोटकों से भरे 2 ब्रीफकेस कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट के पास रखे गए थे। इनमें रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुंचने लगी तो भीड़ में दूसरा धमाका हुआ। पहला धमाका ईरानी सेना के पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास हुआ था। कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरा इलाका दहल गया। सुलेमानी की चौथी बरसी पर भारी संख्या में लोग कब्र के पास जमा हुए थे। धमाके में 103 लोग मारे गए थे। इस हमले में भी इस्लामिक स्टेट का नाम आया था। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए भयानक आतंकी हमले को लेकर पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मॉस्को कॉन्सर्ट स्थल पर हुए आतंकवादी हमले के अपराधियों पर बिना किसी दया भाव के कार्रवाई की जानी चाहिए। रूसी समाचार एजेंसी आरटी के मुताबिक दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, आतंकवादी जवाब में केवल आतंक की भाषा समझते हैं। अगर ताकत का मुकाबला ताकत से नहीं किया जाता है, आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाता है और आतंकवादियों के परिवारों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जांच या ट्रायल का कोई फायदा नहीं है। आतंक से निपटने के लिए यही दुनिया का तरीका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत दुख की इस घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर की। इस हमले के बाद सवाल यूक्रेन पर भी उठ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की सरकार ने मॉस्को के आतंकी हमले से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका भी इसमें यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमले की तस्वीरें डरावनी हैं। फिलहाल हमले में यूक्रेन की भूमिका का कोई संकेत नहीं है। अमेरिका इस संबंध में जानकारी जुटा रहा है। यूक्रेन या यूक्रेनी लोग गोलीबारी में शामिल नहीं है। First, before I go through what I prepared to talk about, obviously we've all seen the reports and the video coming out of Moscow. This violent shooting at a looks like a shopping mall. Can't speak much to the details of it. I mean, this was all just breaking before I came on out here, so we're trying to get more information, but really would refer to Russian authorities to speak to it. The images are just horrible and just hard to watch, and our thoughts obviously are going to be with the victims of this terrible, terrible shooting attack. And I think, you know, you look at that video if you have, and you got to recognize that there's some moms and dads and brothers and sisters and sons and daughters that haven't gotten the news yet, and this is going to be a tough day. So our thoughts are with them. इस हमले के बाद पुतिन घर में ही घिर गए हैं। ये हमला रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया है।